नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे लीची की खेती की संपूर्ण जानकारियाँ कि किस प्रकार से लीची की खेती कर करके आप अपने लीची में अधिक से अधिक मंजर ला सकते हैं और अधिक से अधिक फ्रूट ला सकते हैं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छी आएगी, किस प्रकार से उस बगीचे को आप देखभाल करेंगे, कैसे आप उसकी देखभाल कर करके आप अच्छे से लीची ले सकते हैं, अगर उसमें कोई भी कीट लग जाता है तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, सही से रख रखाव के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और मंजर आने समय जो होता है कि किन किन बातों को अधिक ध्यान रखना पड़ता है ताकि इस प्रकार से जो मंजर होते हैं आपके पौधे पर लग करके आएंगे, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे हमें कमेंट आ रहा था कि सर हमारा लीची का पौधा जो है वो 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है या 5 साल 6 साल का है, उस पर फ्रूट नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करें और कितने दिन बाद जो होता है कि लीची में फ्रूट आता है उसकी जानकारियाँ दें। तो उसकी भी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आगे दूंगा, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरी वॉच करें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसे कि लीची का आप तुराई कर लेते हैं, ये जो पौधा आप देख रहे हैं लीची का, इस पर से लीची जो है वो हार्वेस्टिंग हो गया है, यानी तुराई होता है वो हो गया है और लीची जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से है, मतलब सूखने जैसा लग रहा है और आधा पत्ता जो है इसका सूखने वाला है। तो इस प्रकार से जब हो जाता है तो इसमें फर्टिकेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देख रहे हैं फर्टिकेशन करने के बाद वही लीची का पौधा है, जब मैं फर्टिकेशन इसमें किया हूँ तो इस प्रकार से जो होता है कि इसमें बहुत सारे जो फ्लावरिंग है वो लग करके आया है और फ्लावरिंग का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा बड़ा है और इसका जो डंठल होता है वो भी जो होता है कि बहुत ही मजबूत है अभी से ही। तो इसमें जो लीची लगेगा उसका झरने का जो चांस होता है लीची का जो मंजर में से, लीची जो देखते हैं कभी कभी ऐसे होता है कि छोटे में ही झरने लगता है, तो ऐसे में जो होता है उसका झरने का चांस जो होता है वो कम हो जाता है। देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े इसमें जो है फ्लावरिंग आया हुआ है, मंजर लगा हुआ है। और दोस्तों इसको ट्रीटमेंट करने का जो तरीका होता है, जैसे लीची आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके हार्वेस्टिंग के 2 महीना बाद तक जो होता है आप कभी भी कर सकते हैं, इसके जड़ में जो होता है सारा हुआ गोबर के खाद जो होता है वो देना होता है और क्या क्या देना होता है वो सारे जो होता है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से जा करके आप वीडियो को देख करके आप उस प्रकार से आप अपने पौधे में ट्रीटमेंट करेंगे तो इस प्रकार से जो होता है कि आपके लीचियों पर मंजर ज्यादा आएगा और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी अधिक होगी। दोस्तों अब बात करते हैं, दोस्तों जब लीची का पौधा जो होता है कि फ्लावरिंग आ जाता है उस पर, तो बहुत से उसमें जो कीट होता है, इंसेक्ट होता है वो लगने लगता है, तो उसकी भी जानकारियां मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि कीट जो होता है कि कई प्रकार के होता है, कई मंजरों पर आता है, बहुत से ऐसे कीट होता है जो तना में लग जाता है और मिट्टी के सहारे जो होता है कि वो तना के ऊपर जाने लगता है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि जड़ में जैसे कि कीट लगा हुआ है, तो इसके लिए जो होता है कि आप चाहे तो कोई टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो आप इसको अगर टेक्निकल यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए जो होता है कि सफ़ेदी जिसे चूना बोलते हैं उसको इस प्रकार से जो होता है कि 5 लीटर पानी में जो होता है कि 2 किलो चूना को रख करके और इस प्रकार से पूरे पौधे पर जो होता है कि जहाँ तक आपको हाथ जा रहा हो वहाँ तक अगर पेंटिंग कर देते हैं, इस प्रकार से पुताई कर देते हैं, तो उससे जो तना जो छेदक जो कीट होता है उससे आप काफ़ी बच जाते हैं। अगर कीट पहले से उस पर नहीं लगा है तो, अगर कीट लग गया है तो उसके जड़ में जो होता है कि आप कार्बोफ्यूरान जो होता है 50 ग्राम लेकर के और उसको देना होता है, तो जड़ में जो होता है कार्बोफ्यूरान दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कमेंट आ रहा था कि सर हमारा पौधा जो है इतने साल का हो गया है, 10 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है और उस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आता है, या मेरा पौधा 2 साल का हो गया है और ग्रोथ उसका कैसे बढ़ेगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पौधा जो होता है लीची का वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकता है जो गुठली वाला होता है जिसे गुठली से डायरेक्ट लगाया गया होता है वो पौधा हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जैसे ग्राफ्टिंग द्वारा यानी कलम द्वारा जो लगाया जाता है वो पौधा हो सकता है। वही बात करें जैसे कि दोस्तों गुठली वाले अगर आप पौधा लगाए होते हैं तो उस पौधा पर जो होता है कि लीची जो होता है वो 8 से 10 साल के बाद ही आता है। दोस्तों अगर ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग का जो पौधा होता है वो बड़े पौधे से तैयार किया गया ग्राफ्टिंग होता है, तो उसको जैसे ही आप लगाते तो सीजन आते ही जो होता है कि उसमें इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि फ्लावरिंग जो होता है वो आने लगता है और ऐसे जैसे जैसे सीजन चल रहा होता है आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसमें फ्रूटिंग भी जो होता है वो लगने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो गुठली से लगाया गया पौधा होता है उसमें 8 से लेकर के 9 साल और 10 साल तक जो होता है कि उसके बाद जो होता है उसमें फ्रूटिंग होता है, और जो ग्राफ्टिंग
से लगाया गया होता है उसमें जो होता है कि सीजन आते ही जो होता है कि उस पर फ्रूट जो होता है या फ्लावरिंग वो लगने लगता है। तो दो साल तीन साल तक जो होता है दोस्तों अगर ग्राफ्टिंग से भी आप लगाए हुए हैं पौधे को तो उस पर फ्रूट न ले, क्योंकि उस पर फ्रूट लगने के कारण जो होता है आपका पौधा का जो ग्रोथ होता है वो नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो होता है कि आप उसको देख रेख करेंगे तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ज़्यादा जो होगा आपका पौधा का विकास होगा। और दोस्तों आप बात करते हैं कि जो कमेंट करके दोस्तों ये पूछ रहे थे कि हमारा पौधा का जो ग्रोथ है सर वो नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों आम के मुकाबले जो लीची का ग्रोथ होता है वो बहुत कम बढ़ता है। जैसे जैसे टाइम होते रहता है उस हिसाब से जो होता है कि आम का पौधा जैसे ज़्यादा बढ़ रहा होता है उस हिसाब से लीची का जो पौधा का ग्रोथ होता है उसके मुताबिक बहुत कम बढ़ रहा होता है। तो लीची का जो पौधा का ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर लीची का बगीचा आप लगाए हुए हैं और बगीचे में ज़्यादा खर पतवार ज़्यादा है तो उसको जो होता है जुताई कुराई कर करके इस प्रकार से जो क्लीन होता है साफ करके आप जरूर रखें। अगर ऐसे करके रखते हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जिस समय होता है उस समय जो होता है कि आपके फलों पर जो होगा या मंजर जो होता है उस पर इंसेक्ट का जो अटैक होता है वो कम होता है। तो इसलिए जो होता है आप अपने बगीचे में जुताई के काम जो होता है आप अवश्य करवा दें। और फ्लावरिंग के आने के बाद जो होता है दोस्तों जैसे फूल लग जाता है उसके बाद एक बार जो होता है कि आप उसमें जैसे दाना बन जाता है लीची का छोटा छोटा तो उसमें एक बार पानी जो होता है कि फ्लेट सिस्टम से जरूर दें अपने बगीचे में। ऐसे करने से लीची में जो होता है कि फटने वाले जो समस्या होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा और लीची का जो डंठल होता है वो भी और मजबूत होगा दोस्तों, और लीची का जो शाइनिंग होता है वो भी अच्छे से आएगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा और क्वांटिटी भी अच्छे से आती है। तो इस प्रकार से जो होता है कि आप अपने पौधा पर ट्रीटमेंट करें। वही बात करते हैं कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि सर हमारा लीची का जो पौधा है उस पर कौन कौन सा स्प्रे करना होता है। तो जो लीची का पौधा होता है उस लीची को जो होता है कि फर्टिलाइजेशन करने के बाद जैसे मंजर आने से पहले एक महीना पहले जो होता है कि आप उस पर स्प्रे खाली पानी को लेकर के करें। अगर उस पर कोई भी धूल मिट्टी जो होता है कि जमा होता है वो आपको जो होता है कि धोल करके मतलब धुलाई कर करके नीचे उसको गिरा देना होता है तो उसका जो पत्तियां सब सखा होता है वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद जब उस पर मंजर आता है तो बहुत ही अच्छे से लगता है और उसमें कोई भी बीमारी जो होता है वो नहीं आता है। जब उस पर मंजर आ जाता है और भरपूर मात्रा में मंजर आ जाता है उसमें धीरे धीरे टिकोरा जो होता है कि आने लगे तो उस पर क्या करें आप इमिडाक्लोपीरिड 17.8% वाली जो आता है एसएल में उसको 4 लीटर पानी में 1 ml की दर से जितने भी पौधा होता है उस हिसाब से आप पानी ले करके और उस जो होता है टेक्निकल उसको उसमें मिला करके आप अपने पौधे पर स्प्रे करें। इससे इंसेक्ट से जो होगा आपका पौधे को बचाव होगा, आपका जो फ्रूट होता है उसको बचाव होगा। तो इस प्रकार से जो होता है आप अपने पौधे पर जो होता है कि स्प्रे करें। अगर पौधे पर फल लगा हुआ है आप फल फटने का समस्या है अगर पानी आप नहीं दिए हुए हैं तो फल आगे चल करके कोई कोई ऐसा होता है जो फटने लगता है लीची के तो उसके लिए जो होता है कि बोरान का स्प्रे करें। दोस्तों बोरान के स्प्रे करने से जो होता है आपका लीची का या कोई भी जब फल आता है उसमें जो फटने वाली समस्या होता है वो ख़त्म हो जाता है और शाइनिंग जो होता है कि उसमें अधिक आता है और जो होता है जो भी फल का डंठल होता है वो सब मजबूत होता है, फल जो होता है वो चमकीला बनता है। तो इस प्रकार से जो होता है आप अपने लीची पर ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छे से क्वालिटी और क्वान्टिटी ले सकते हैं। तो ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी वो कॉमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।